के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यदि हम एग्जांपल डिस्कस करें सपोज एग्जांपल ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू हियर एक्स एंड वाई बोथ आर अननोन्स and a1 b1 c1 a2 b2 c2 are constant means x and y both are unknowns and a1 b1 c1 a2 b2 c2 all are constant. another example for three unknowns हम लेके देखते हैं a1 x plus b1 y plus c1 z is equal to d1 a2 x plus b2 y प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू एंड ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू डी थ्री. यदि हम यहाँ बात करके अननोन्स क्या क्या होंगे तो एक्स वाई जेड एंड ए वन बी वन सी वन डी वन ऑल आर कॉन्स्टेंट्स. तो बेसिकली जो इसका जो सोल्यूशंस आप लोगों ने डिस्कस किया होगा अपने इनिशियल क्लासेज में उसको आपने इलिमिनेशन मेथड से आपने इसको सॉल्व किया होगा या क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व किया होगा. बट यहाँ हम लोग इसको बाय यूजिंग रैंक मेथड इस मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग क्लासीफाई कर लें कि कितने टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं. तो पहले टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम बात करेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. फर्स्ट दैट इज ए फर्स्ट होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. एंड सेकेंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो टू टाइप्स होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस ये दोनों टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है. नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. इसको डिस्कस करने से पहले इसके डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे. देन हम इसके डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे क्या कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों इक्वेशंस को. तो फर्स्ट मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू डी थ्री. ये हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ले लिया. कैसे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जैसे मैट्रिक्स ए लिखते हैं दिस इज मैट्रिक्स फॉर कोफिशियंट मैट्रिक्स लिखे फर्स्ट कॉपी ए वन सेकेंड बी वन थर्ड सी वन दिस इज कोफिशियंट मैट्रिक्स ए टू बी टू सी टू एंड थर्ड ए थ्री बी थ्री एंड सी थ्री. तो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स फॉर कोफिशियंट्स. सेकेंड मैट्रिक्स हम लोग जनरेट करेंगे मैट्रिक्स फॉर अननोन्स. आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में क्या क्या अननोन्स है दैट इज एक्स वाई जेड. एंड थर्ड हम जनरेट करेंगे राइट हैंड साइड मैट्रिक्स दैट इज ए बी दैट इज ए डी वन डी टू डी थ्री. तो दिस इज ए थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स एंड दिस इज ए थ्री बाय वन मैट्रिक्स एंड दिस इज ए बी दिस इज ऑल्सो थ्री बाय वन मैट्रिक्स. तो दिस सेट ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन एज इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज ए कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी. तो फर्स्ट स्टेप पे कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आए तो पहले उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके हम लोग डिस्कस करते हैं टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन. अब इसके लिए हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटेन एज दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन एज इन दिस फॉर्मेट ए एक्स इज इक्वल टू बी वेयर
ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स टू माइनस थ्री वन वन, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स फॉर अननोन्स एक्स वाई एंड बी दैट इज ए राइट हैंड साइड दैट इज ए जीरो एंड वन। तो कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना, देखा आपने बच्चे कैसे हमने कन्वर्ट किया, पहले मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर अननोन्स एंड राइट हैंड साइड। अब इसी के हेल्प से हम लोग होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस के डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। इफ पहले हम लिखते थे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिंपल डेफिनेशन है इफ b इज इक्वल टू जीरो देन सिस्टम इज कॉल्ड होमोजीनियस। मीन्स यदि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको मिल गया, सपोज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो, मीन्स इफ ऑल नंबर्स हियर राइट हैंड साइड में सारे के सारे मीन्स ये मैट्रिक्स कौन सी बनेगी बच्चे, मैट्रिक्स b इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो जीरो जीरो। इफ b ऑल एलिमेंट्स ऑफ b आर जीरो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस। अब नॉन होमोजीनियस क्या होगा, इफ एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो मीन्स b क्या ऐसा हो जाए नॉन जीरो देन द सिस्टम इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉन जीरो then system is called non-homogeneous system of linear equation. For example, suppose x plus y plus z is equal to 1, y minus z is equal to 0 and x plus 3z is equal to 2. So for this, इसके लिए matrix B क्या generate होगी बच्चे? 1, 0, 2. हमने क्या कहा कि if at least one element of B is non-zero, इसमें से एक भी element यदि non-zero मिल गया, then system of equation is नॉन होमोजीनियस। यदि सारे के सारे जीरो में मिले मीन दैट सिस्टम इज कॉल्ड होमोजीनियस। तो आपके सिलेबस का जो पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस एज वेल एज नॉन होमोजीनियस बोथ, तो पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे बच्चे कि सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आपको क्लियरली कैटेगराइज कर दिया आप लोगों ने कि होमोजीनियस किसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस किसको बोलेंगे। फिर आप इसके बाद उनके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो हम हमेशा पहले स्टार्ट करते हैं नॉन होमोजीनियस देन होमोजीनियस डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इजी है, इसमें कुछ एफर्ट्स नहीं लगाना आपको। कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस, पहले स्टेप पे आपने कैटेगराइज कर दिया कि होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस। इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉन जीरो देन दैट सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस। तो मान लो हमने कोई इक्वेशन मिला उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ए एक्स इज इक्वल टू बी। फर्स्ट स्टेप, जब भी कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है एट वंस उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ए दैट इज ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स दैट इज ए मैट्रिक्स फॉर अननोन्स एंड बी दैट इज ए राइट हैंड साइड। अब स्टेप वन क्या करना होगा बच्चे, स्टेप फर्स्ट फाइंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे हम जनरेट करते हैं, मैट्रिक्स ए और बी को मर्ज कर देते हैं। अब ए और बी को कंबाइन कैसे किया, एक हमने डॉटेड लाइन से दोनों को सेपरेट कर रखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए वर्टिकल लाइन बी,
दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है अभी हम जस्ट विद इन 2 or 3 minutes हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कन्वर्ट बनाएंगे, जनरेट करेंगे फॉर आवर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिए होंगे। स्टेप टू, ट्रांसफॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इन एक्लन फॉर्म। जो भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपको मिले उसको एट वंस आप एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्लन फॉर्म बहुत अच्छे से आप जानते हो। तभी हम दो स्टेप पे डिस्कस करेंगे कि पहले कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको मिलेगा तो पहला स्टेप क्यों नॉन होमोजीनियस के होमोजीनियस को ट्रेस आउट करेंगे, हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जनरेट करेंगे एंड देन ऑगमेंटेड को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। पहले हमारे दो स्टेप अभी कंप्लीट हुए हैं तो अब उस पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अभी सिस्टम को पहले चेक किया स्टेप 1 फर्स्ट स्टेप पे। सिस्टम इज a, पहले बना ले a इज इक्वल टू 1 1 1 माइनस 1, कैपिटल x इज इक्वल टू एक्स वाई एंड कैपिटल b इज इक्वल टू 1 2। सो अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी। स्टेप टू, सिस्टम होमोजीनियस की नॉन होमोजीनियस, ध्यान से देखो बच्चे मैट्रिक्स b कैसी है बच्चे आपकी, ये वाली नॉन जीरो, देन सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस। स्टेप थर्ड, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम जनरेट करते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे कि ए एंड बी को कंबाइन कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखो, ध्यान से देखना आप लोग। वर्टिकल लाइन ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स 1 1 1 माइनस 1 एंड बी हियर 1 एंड 2। स्टेप फोर्थ, अब स्टेप फोर्थ में क्या करना होगा, यू हैव टू कन्वर्ट दिस ए बी मैट्रिक्स इंटू एक्लन फॉर्म। अब एक्लन फॉर्म में हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट आपका 1 है। अब इसको वर्टिकल लाइन को बस अपने माइंड में सेपरेशन समझना है, इसको पूरा कंप्लीट 1 रो समझना है, इसको सेकंड रो समझना है। अब ये लीडिंग एलिमेंट है फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो के लीडिंग एलिमेंट के इस कॉलम में किस कॉलम में लाई कर रहा है, फर्स्ट कॉलम में, तो इसके नीचे 0 करना होगा। तो आर टू गोज टू आर टू माइनस आर 1 एंड वी गेट हियर 1 1 1 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड 2 माइनस 1 1। क्या एक लंग फॉर्म है, ध्यान से देखो, ये आपका लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे 0, ये आपका लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, मींस हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट एक्लन। मींस ऑपरेशंस जो लगाना है इस कंप्लीट पे लगाना है। ये वर्टिकल लाइन एज इट इज ड्रॉ करेंगे, ये दिस मैट्रिक्स सेपरेट है, दिस मैट्रिक्स सेपरेट है, बट ऑपरेशंस पूरे मैट्रिक्स पे हमने अप्लाई किया। हमने देखा कि जो ए बी मैट्रिक्स है वो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो हमने जो आपको इनिशियल स्टार्ट किया था कि फर्स्ट स्टेप पे आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, सेकंड पे एक्लन फॉर्म कन्वर्ट करना है। यदि हम थर्ड स्टेप की बात करें अपने अप्रोच की, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 पे आ गए। क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, स्टेप 1 पे हम लोगों ने डिस्कस किया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जनरेट कर लिया, ए बी हमने जनरेट किया। स्टेप 2 हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रांसफॉर्म ए बी इन एक्लन फॉर्म। थर्ड स्टेप पे अब हम आ रहे हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रॉब्लम को लेके आगे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप पे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके ऑगमेंटेड लिखा एंड ऑगमेंटेड को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप पे, फाइंड रैंक ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ए। अब इसको फाइंड करना है। तो मान लो इस प्रॉब्लम के लिए हमारा एक्लन फॉर्म ये है बच्चे,
हमारा इस प्रॉब्लम पे जो भी हम प्रॉब्लम लिखे थे, यदि इस मैट्रिक्स को हम लोग देखें ध्यान से, तो 1 1 1 0 -2 1, इस पूरे होल मैट्रिक्स को यदि देखे थे, दिस होल मैट्रिक्स इज ए बी। अब इस पूरे होल मैट्रिक्स को देखो तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने होंगे, 1 एंड 2। यदि हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि रैंक ऑफ ए बी बताओ, तो तुरंत कहोगे आप 2। यदि इसी में हम आपसे अनदर क्वेश्चन पूछे कि यदि हम इसको पैक कर लें यहां इसको, अब जो इधर आपको मैट्रिक्स दिखाई देगी इसको पैक करने के बाद, मीन्स इसको हम ऐसे कर लें, तो आपको जो ये मैट्रिक्स दिखाई दे रही है, दिस इज अ मैट्रिक्स ए, इसको ऐसे किया तो दिस इज अ कंप्लीट मैट्रिक्स ए बी। तो आपको फर्स्ट स्टेप पर क्या फाइंड करना है, रैंक ऑफ ए बी, एंड सेकेंड पर रैंक ऑफ ए। तो इसलिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है कि एक ही साथ आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक फाइंड कर सकते हो एज वेल एज ए की भी रैंक फाइंड कर सकते हो। तो यहां से वैसे ही मैंने पैक किया, आपको ये मैट्रिक्स ए दिखाई दे रही है, और अगेन इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हियर 2 1 एंड 2, सो रैंक ऑफ ए आल्सो इज इक्वल टू 2। ऐसा कंपल्सन नहीं है कि सारे क्वेश्चन में रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए हो, बट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपने देखा कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए हो गया। तो अब अनदर एग्जांपल लेके हम आपको दिखाते हैं कि रैंक ऑफ ए बी ऑलवेज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो अभी तक आप लोगों ने जो देखा बच्चे, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, एंड देन कन्वर्ट दैट इनटू एकलन फॉर्म एंड फाइंड रैंक ऑफ ए बी एंड रैंक ऑफ ए। मान लो एग्जाम्पल हमने ले लिया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, एंड 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया, अब इसके लिए a बनाते हैं, a इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 3 3 3 कैपिटल x मैट्रिक्स फॉर अननोन्स बनाएंगे x y z, एंड कैपिटल b बनाएंगे दैट इज 1 2 4। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं ए बी दैट इज 1 1 1 2 2 2 3 3 3 वर्टिकल लाइन मैट्रिक्स b 1 2 4। अब इसको एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लीडिंग एलिमेंट आपका ये है, पहले इसके नीचे जीरो करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आर टू गोज टू आर टू माइनस टू आर वन, एंड आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस थ्री आर वन। मीन्स वी गेट हियर 1 1 1 1 0 0 0 3 माइनस 3 0 3 माइनस 3 0 3 माइनस 3 0 एंड 4 माइनस 3 4 माइनस 3 1। हमने आपको एकलन फॉर्म में बताया था कि जो कंप्लीटली जीरो रो होगा वो कहाँ होगा, बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स होगा। मीन्स थोड़ा सा और चेंजेस कर ले, आर टू को कहाँ चेंज कर दे, आर थ्री में, एंड वी गेट ए बी इक्वल टू 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। यदि हम इस पूरे कंप्लीट मैट्रिक्स की बात करें तो क्या एकलन फॉर्म में, देखो लीडिंग एलिमेंट है जीरो, अब इस रो में लीडिंग एलिमेंट यहां मिल रहा है, इसके नीचे जीरो, एंड इस रो में कोई लीडिंग एलिमेंट नहीं, हमारा एकलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यदि इस पूरे होल मैट्रिक्स को यदि हम देखें तो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 एंड 2, दैट इज 2 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। बट यदि हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द रैंक ऑफ ए, द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, कैसे ए की रैंक फाइंड करेंगे, इस बी को हमने पैक कर दिया, अब इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हम काउंट करेंगे, तो जैसे बी को पैक करेंगे तो 1 नॉन जीरो रो, ये जीरो रो, जीरो रो, मींस टोटल रैंक कितनी हो गई 1। तभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा कि ए बी की रैंक ए की इक्वल थी, बट हमने आपको तुरंत काउंटर एग्जाम्पल दिखाया, कंपल्सन नहीं है, मे बी इक्वल मे नॉट बी इक्वल। यहां आपने देखा कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2, बट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम प्रोसेस करते हैं। अभी तक हमने आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया कोई आगे की क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम उस पॉइंट पे अब आ चुके हैं, आपको बेसिक्स क्लियर हो गया होगा।
सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस, अब मैं समरी बता देता हूं आपको, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस फर्स्ट स्टेप, ए फॉर्म किया, कैपिटल एक्स बनाया, बी बनाया, सेकंड स्टेप ए एक्स इज इक्वल टू बी, थर्ड स्टेप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, फोर्थ स्टेप ट्रांसफॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इन एक्लन फॉर्म, एंड फिफ्थ स्टेप फाइंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ए। यहां तक अब आपको क्लियर हो गया पिक्चर कि कैसे ए फॉर्म करते हैं, एक्स फॉर्म करते हैं, बी फॉर्म करते हैं, कैसे उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैसे ऑगमेंटेड फॉर्म करते हैं, कैसे ऑगमेंटेड को एक्लन। अब एक्लन फॉर्म आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने प्रैक्टिस कर रखा है कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। एंड देन आफ्टर दैट फाइंड रैंक ऑफ ए बी एज वेल एज रैंक ऑफ ए। अब यहां से हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की, कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो सिक्स स्टेप पे हम आ जाएंगे। अब सिक्स स्टेप हम ऊपर लिखते हैं, सिक्स स्टेप सिक्स ए पार्ट, इफ रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, मीन्स रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेट टू बी कंसिस्टेंट। यदि दोनों रैंक कॉमन हो जाए, सेम हो जाए, किसकी रैंक, ए बी की रैंक और कोफिशियंट मैट्रिक्स ए की रैंक, देन सिस्टम इज सेट टू बी कंसिस्टेंट। And in this case, system have solution। मतलब ऐसी situation में आप system को solve कर सकते हो, मतलब जो unknowns की value आप find कर सकते हो। Second B part पे फिर A को हम categorize करेंगे, लेकिन अभी हम consistency की बात करेंगे। यदि examination में question आता है कि test the consistency of following system of linear equation, another example B, इफ रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, इफ रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेट टू बी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, अब इनकंसिस्टेंट का क्या मीनिंग है कि इन दिस केस सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। मतलब आप बच्चे देखो, मैथमेटिकली आप प्रूफ करने जा रहे हो कि ऐसे सिस्टम जिसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, इफ रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो पहले हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इनकंसिस्टेंट होता है, तो पहले इसको दिखाते हैं। अभी एक एग्जांपल भी दिया गया कि रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, देन दैट सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। फिर अनदर एग्जांपल हम लेके आ रहे हैं आपके सामने, उसके बाद फिर सिक्स्थ ए को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहले एक एग्जांपल ले लें हम। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल वन, टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने एग्जाम्पल ले लिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर एंड टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू नाइन। अब इसको कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो पहले ए चेक करें, ए कितना हो गया, वन वन टू टू, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू फोर एंड नाइन। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू वन वन टू टू फोर नाइन।
अब हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए पहले हमको ए बी की रैंक फाइंड करनी होगी, और ए बी की रैंक और ए की रैंक फाइंड करने के लिए इस पूरे कंप्लीट मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। एक्लन फॉर्म क्या कहते हैं कि फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट 1 है, तो उसके नीचे के जितने भी उस कॉलम एलिमेंट्स उनको जीरो करना होगा, मीन्स आर टू गोज टू आर टू माइनस टू आर वन एंड दिस इज इक्वल टू 1 1 4 2 माइनस 2 0 2 माइनस 2 0 9 माइनस 8 1। अब इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो तो ए बी की रैंक, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, काउंट करें पूरे कंप्लीट रो को, 1 नॉन जीरो रो एंड 2 नॉन जीरो रो, दैट इज 2। अब ए की रैंक फाइंड करना है, ए की रैंक जब भी फाइंड करना होगा तुरंत बी को पैक कर दिया। अब आपको जो मैट्रिक्स दिखाई देगी 1 1 0 0, ये मैट्रिक्स नहीं दिखाई दे रही है, ये तो आपकी ए है, ये कंप्लीट ए बी है। पहले आपने ए बी की रैंक बताया, ए की रैंक कितनी हो जाएगी, टोटल 1 नॉन जीरो रो हियर 1, सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 सिंस अब लिख देंगे कि रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, देन यहां बोला टेस्ट द कंसिस्टेंसी, मीन्स आप बोलोगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। मीन्स अब यहां आपके पास लॉजिकली आप आंसर दे रहे हो बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, बाय यूजिंग रैंक, कि ऐसे सिस्टम को हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। अब बात करते हैं सिक्स्थ ए के पार्ट को, सिक्स्थ ए में हमने कहा कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर रैंक ऑफ ए, देन सिस्टम हैज सॉल्यूशन। तो सिक्स्थ ए को हम अब कैटेगराइज करेंगे, सिक्स्थ ए टू पार्ट्स हो जाएगा, इफ रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, दोनों सेम होना चाहिए, एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। मीन्स आपने कंसिस्टेंसी देखा कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, तो कंसिस्टेंट तो हो गया। अब बात करते हैं कि इफ रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, दिस इज कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, दिस इज कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, इफ आल्सो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब इस पे एग्जांपल ले ले हम लोग कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यदि हम इसके लिए a जनरेट कर ले, a इज इक्वल टू 1 1 माइनस 1, कैपिटल एक्स एक्स वाई एंड कैपिटल बी दैट इज 1 2। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ले हम, ए बी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1 1 1 माइनस 1 1 2। अब इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज ए लीडिंग एलिमेंट 1, तो आर टू गोज टू आर टू माइनस आर 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 1 1 0 माइनस 2 एंड 2 माइनस 1 1। एक मिनट, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मीन्स मीन्स रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू ध्यान से देखो 2, पैक करेंगे तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 सिंस रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड सिस्टम हैज सॉल्यूशन। तो पहला मैसेज आपने, फर्स्ट मैसेज आपने दे दिया कि इस सिस्टम के लिए बात करेंगे, इसके लिए रैंक ऑफ ए बी 2, रैंक ऑफ ए आल्सो 2, बोथ आर इक्वल, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड सिस्टम हैज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, अब इस पे हम आते हैं कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस, तो हाउ मेनी सॉल्यूशन पे हम आएंगे, तो नाउ रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, कॉमन कितनी है 2 एंड
ये किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं आपके क्वेश्चन में? तो देयर आर नंबर ऑफ अननोन्स एक्स एंड वाई, तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, क्योंकि आपके सिस्टम में टू अननोन्स हैं। तो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू टू, एंड दैट आल्सो इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। सो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब उस यूनिक सॉल्यूशन को हम फाइंड करेंगे कि एक्स एंड वाई की क्या वैल्यू होगी। अब नाउ सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं? ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब जो न्यू ए जनरेट हुआ है आपके लिए, न्यू ए क्या क्या जनरेट हुआ? 1 1 0 -2, जो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, ए कैपिटल एक्स एक्स वाई एंड कैपिटल बी आपका जनरेट हुआ 1 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा, दिस इज ए क्रॉस मल्टीप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, 1x + 1y इज इक्वल टू 1, 0x - 2y इज इक्वल टू 1, तो -2y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1/2, रिप्लेस y हियर, x इज इक्वल टू x - 1/2 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 3/2। दिस इज ए वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज वैल्यू ऑफ वाई। लेटर 6b हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट कर दिया।